ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, आखिरकार इस दुनिया बना ही दिया मुझे जोकर। रसोनो यू तने वो टिकट बुक करा रखी थी ना गोवा की, यहाँ पिछले महीने सब ने कैंसिल करा दे तुरंत, बिल्कुल तुरंत। अरे ना यार, कोविड का डर ना है, कोविड तो होता हुआ आता रहेगा, 10 बार भी बोले ठीक हो लेगा। अगर तैने किसी को टकाटक बनाते देख लिया तो फिर क्या करेगा? पता क्या हुआ है, खेतरपाल का याद है ना क्या हुआ था भाई? उसने टकाटक बनाते देख लिया था एक लड़की को काम में, भाई बाल सफ़ेद हो लिए सोख के मारे, और आज तक याददाश्त वापस ना आवे उसकी। ना भाई, मैं तो नॉट डाउन फॉर दिस प्लान भाई, कैंसिल कर दे ना तो खुद चले जा भाई, बाय। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, ये है ऑनेस्टली सेइंग, और भैया भगवान की दया से 2020 खत्म होने वाला है, 2 हफ्ते रह गए हैं ओनली, और पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्टिव काम चल रहे हैं, कोई अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कहीं पे वैक्सीन आ गई है, तो कहीं पे वैक्सीन लग रही है, एक्सेप्ट फॉर नेहा कक्कड़, वो दुनिया को चूतिया बनाने में बिजी है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि खुशी किसे पसंद है? कुछ लोगों को, कुछ वेब सीरीज बनाने वालों को हमारी खुशी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वेस्ट में है कू क्लक्स क्लैन जो लोगों की खुशियों पर हगने के लिए राजी रहता है, वैसे ही इंडिया में वेब सीरीज बनाने के स्केप में है कू क्लक्स क्लैन जो वेब सीरीज के नाम पर पाटता है 2 किलो गोबर के उपले। तो इस कू क्लक्स क्लैन का नाम है एमएक्स प्लेयर, और इन्होंने जो अभी अभी गधे की लीद में से ताजा ताजा उपला पाटा है, आहा क्या बदबू आ रही है उस उपले में से, उसका नाम है जो चप्पल लगाया मेरी इसकी मां का। ये शो इतना नामुराद और वाहियात है कि अगर हम इसे मिस्टर विजय माल्या को दिखाएं तो वो भाई साहब भी खुद बोलेंगे कि मोदी जी मैं कल खुद आ रहा हूं, आप IGI पे आके मेरे को खुद हथकड़ी लगा लेना, लेकिन प्लीज ये लोमड़ियों को टैंगो बंद करो यार। तो बेसिकली फेम हाउस एक रियलिटी शो है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हाईली इंटेलेक्चुअल, एक्सट्रीमली क्रिएटिव, तो यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार देना, एंड इमेंसली टैलेंटेड, लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है, एक्स टिकटॉकर्स जिनको एमएक्स प्लेयर वाले बड़े ही कन्वीनियंटली रीब्रांड करना चाह रहे हैं इनटू टकाटकर्स, बट इन लोगों को आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग कहेंगे बावड़ी गैंड। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग से होटल मैनेजमेंट में MBBS करने वाले इन कंटेस्टेंट्स का इस शो के बारे में क्या कहना है कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया है। अबे ये सीमा पूरी के पोपाइयों को समझाओ कि ये शो पहले किसी ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी कोरोना से पहले जूझ रही है, अब तुम टिकटॉकर्स को इकट्ठा कर देंगे तो फिर कोई नई महामारी पैंडेमिक शुरू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ती है ये गांडू वेलफेयर परेड, और इंट्रोडक्शन होती है एक ऐसी मोहतरमा की, एक ऐसी आंटी जी की जिसकी इंट्रोडक्शन सुन के आपके बाइल डक्ट में ब्लॉकेज ना हो जाए ना, कसम मेरे ईसोफेगस की तुम्हारा मत्था खराब हो जाए। वो लग रहा होगा आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं, कि मेरा एक 6 साल का बेटा भी है, और यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ फन बिकॉज क्वीन स्वाति जो जा रही है फेम हाउस पे। और इन आंटी को ये भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेक्सी और सुंदर है। शादीशुदा आपका बेटा है फिर भी आप इतनी सुंदर कैसे हो? तो गाइस क्या करूं मैं? अब भैया नांटी का इंट्रो देखने के बाद इनको तो छोड़ो, मेरे को तो तरस आ रहा है इनके 6 साल के उस लड़के पे जो बेचारा ये वुडू डांस करता हुआ देखता हुआ अपनी माँ को रोज टकाटक बनाने के चक्कर में, उस बेचारे को तो पोस्ट ट्रोमेटिक इंसोम्निया होने का बहुत डर है। और सिंस हम लोगों को बहुत सालों से पता है कि टिकटॉक वाले कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट अगर आप भूल गए हो ये कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, और अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि इस शो के अंदर आप क्या टैलेंट दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा जवाब देंगे। मैं फेमस हूँ अपनी स्माइल और अपनी क्यूटनेस को लेकर, लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। वैसे तो आई डोंट नीड 30 seconds, 3 seconds are enough. Because मेरी smile, मेरी presence. Because मेरी smile. Now on a serious note guys, आप लोगों ने exorcism से related बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, बट क्या आपने exorcism से related कभी कोई डांस देखा है? इस शो में एक ऐसा ही भूत और पिशाच भगाने वाला भयानक मंजर है नृत्य का, जो अगर कोई भी आत्मा या पिशाच देख ले तो अपनी कच्ची में हक दे, और इस नृत्य का नाम है सालसा डी उत बिलाओ। अब यही विश कन्याएं एक लड़की को कैंसिल कर देती हैं क्योंकि उसका बड़ा गंदा होता है कैटवॉक जो वो दिखाती है अपने टैलेंट शोकेस के नाम पर, और बोलती हैं रैंप वॉक तो मैं सो के उठ के भी कर दूंगी। टू विच मैंने कहा बहन तेरे से कोई मंगल बाजार में कैटवॉक ना कराए। एंड अनसरप्राइजिंगली इस शो में एक 16 साल की लड़की भी है, हाय माय नेम इज अमूल्या रतन, आई एम 16 इयर्स ओल्ड, जो एक्चुअली काफी सेल्फ अवेयर है, पढ़ाई पे ध्यान ही देती हूं, मस्ती ज्यादा करती हूं। ये देख के मुझे ये तो पता लग ही गया था कि इस बिटिया का पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है, बट मुझे ये बताओ इसके माँ बाप का है? हम साले 16 साल की उम्र में 10 बजे के बाद टीवी नहीं देख सकते थे, ये साले चुतिया पे वाले शो कर रहे। हो गया तो हो गया, कोई प्रेशर नहीं है। ये बिटिया अकेली ही नहीं है जो 16-17 साल की हैं,
यहाँ पे दो रोमी पोमी भी हैं साले, ये दोनों 15-17 साल के हैं और एक से पूछा टैलेंट दिखाने के नाम पे कि भैया अपना टैलेंट दिखाओ, तो ये भाई साहब बन गए ज्ञानचोद बाबा लाइफ कोच। वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और ये साला दूसरा 15 साल का पोमी हो, सबसे बड़ा हरामी है, मेरे से लिखवा के ले लो, आज तक अपने यूनिट टेस्टों में कभी पास नहीं हुआ होगा। लेकिन शो में जब होस्ट इससे पूछती है कि तू किल हुकअप मैरी में क्या करेगा, तो पता क्या बोलता है, हुकअप करूंगा, ऐसे हुकअप करूंगा, बाय बाय क्विकली बाय। वो बहुत अच्छी है। मैंने कहा भोसड़ी, क्या अगर तेरे बाप ने तेरे को पकड़ लिया ना, तू मस्तरम बना फिर रहा है जीभ निकाल निकाल के, हुकअप करूंगा साले, पीट पीट के तेरा पाइथागोरस थ्योरम ठीक कर देगा। और इस 5 एपिसोड के नर्क में एक बहुत विशेष फाइट सीन भी है, जहां पर एक लड़की बबला जाती है जस्ट बिकॉज उसको क्रू वाले बाहर नहीं जाने दे रहे होते, क्या कराने तुम सोच भी नहीं सकते, नेल एक्सटेंशन करा। मैंने बोला कि सुबह से मेरा नेल टूट गया है, मेरे को सिर्फ नेल एक्सटेंशन करवाना है। वो लोग ये बोल रहे कि नहीं है। अब भैया असली मजा तो वहां आता है जहां द इंटरनेशनल रीजन ऑफ इंडियाज एम्बैरेसमेंट यानी मिस्टर जोकर रिजवान खान फंस जाते हैं टैलेंट दिखाने के नाम पर। रिजवान गो अहेड। अब ये भाई कंफ्यूज हो गया कि ये जो लखुआ मार मार के मुंह पे ऐसे ऐसे कर करके जिसने अपना करियर बनाया टिकटॉक का, उसको टैलेंट कहते हैं या नहीं, तो ये भाई वहां जाके ना सफाइयां पेश करने जाता है। वैसे मैं बेसिकली ना सिंगर हूं ना रैपर हूं, बस फिर भी मैंने कुछ लिखा है और ना ही राइटर हूं। मैं एक थर्ड क्लास जाटू सा रैप लिख के लाया हूं। ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, आखिरकार इस दुनिया बना ही दिया मुझे जोकर। और टास्क के नाम पर है इस शो में बड़े ही मेंटली और फिजिकली टैक्सिंग चैलेंजेस, जिनमें से एक है ये बताना कि कौन हॉट है और कौन नॉट है। हॉट और नॉट, ये हॉट और नॉट वाला टास्क देखकर तो मुझे ये लगा कि बेंचो तुम ये पूछ रहे हो कि भाई ये सारी पालिका की बेल्टें हैं, ये बताओ इसमें से जेन्युइन लेदर कौन सा है, बेंचो सारी नकली हैं। फिर आता है इस शो का सबसे घातक टास्क, एक तरफ होता है पूल और दूसरी तरफ होता है बियर पोंग की टेबल, और होस्ट बोलती है इन सुलभ शौचालय के रोडी से कि भैया दिमाग लड़ाओ अपना और गेस करो कि क्या होने वाला है। तो फिर सुनिए ये क्या क्या गेस करते हैं, जबकि सब कुछ अपेरेंटली ऑब्वियस है इनके सामने। पूल में जाना है। मैंने इनके गेसेस सुन के कहा बेंचो तुम्हारी आंखों में मोतिया है क्या, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, बियर पोंग की टेबल रखे, तुमने जाहिलों ने जिंदगी में कभी बियर पोंग नहीं खेला क्या, कोई फूट के बोल दो कि बियर पोंग भी हो सकता है मैडम। बेसिकली यहां हुआ ये कि होस्ट ने बोल दिया टिकटॉकर्स को कि बेटा अपना दिमाग लड़ाना है, एंड गाइस द बेसिक रूल ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल इज टिकटॉकर्स कभी नहीं बोला जाता कि तुम अपना दिमाग लड़ाओ, वो एक अमीबा की तरह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, वो उठते हैं टिकटॉक बनाते हैं सो जाते हैं। तो ऐसे चूतड़ों के बल रगड़ते रगड़ते ये 300-350 रुपए के बजट वाला शो पहुंच जाता है अपने अंतिम चरण पे यानी लास्ट एपिसोड। तो यहाँ पे व्यूअर क्या सोचेगा कि भैया वोट आउट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने सबसे ज्यादा टकाटक बनाए, जो होस्ट ने लाठी तोड़ रखी थी सबके गांड में, हर 5 मिनट के बाद बोलते हैं टकाटक बना लेना, टकाटक बना लेना। नहीं भाई मेरे को प्रॉब्लम है। अबे पता है बहन जो टकाटक बना लेना उसको अपनी, वो तो खाने दे अंडे की भुर्जी सुबह सुबह। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सारे पोंगा पंडित लाइन लगा लेते हैं और खुसर फुसर करते हैं, चार बातें यहाँ चोदी जाती है, चार बातें वहां चोदी जाती है, और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हमें वोट दे, एक दूसरे को वोट आउट करके पता नहीं कैसे आउट ऑफ नोवेयर, ना होस्ट को ये समझ आया ना मुझको समझ आया, आपको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ये हुआ क्या, और विनर घोषित हो जाता है और शो हो जाता है खत्म। अब विनर को प्राइज मनी मिलती है पूरे 2 लाख रुपए, जो अगर आप शो देखोगे तो रियलाइज करोगे कि भैया इस बारबाडोस की बीच वॉलीबॉल टीम ने कुल मिलाकर पूरे 2 पैसे का काम नहीं किया, फूटे नंगे 2 पैसे का काम नहीं किया, और मेरे हिसाब से इस सारी की सारी लेबर पार्टी को 500 रुपए दिहाड़ी 500 रुपए की दिहाड़ी, 2 केले 1 समोसा 1 कचौड़ी देकर लोकल बस में बिठा देना चाहिए था और वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि भोसड़ी वालों मुड़ के मत देखना कभी। और सारी बेवकूफी की हद तो एमएक्स प्लेयर वाले तब पार कर देते हैं जब ये विनर को 2 लाख के साथ गिफ्ट करते हैं एज अ विनिंग प्राइज 500 मिलियन की रीच उसकी पोस्ट पे जो वो बनाएगा टकाटक पर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने यूजर्स को ये कन्वे कर रहे हो कि भाई विनर चाहे जैसा टट्टी कंटेंट भी बनाए हम उसको फिर भी 500 मिलियन की रीच देंगे, पर तुम जिन्होंने हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं करा, अगर तुम्हारा कंटेंट हमारे विनर से अच्छा है हम तुम्हारी रीच तब भी मॉडरेट कर सकते हैं, मतलब यानी तुम्हारी रीच हमारे कंट्रोल में हमारे हाथों में और हम जिसको चाहें उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। लिसनिंग टू दिस आई वॉज लाइक यार अपने ही ऐप के लिए इतनी बुरी मार्केटिंग कौन करेगा। तो भैया ना नटशेल इस शो में बड़ा ही प्यार है, जाको कंटेस्टेंट एक दूसरे को बड़ी इज्जत से बात करते हैं, हो सकता है गलती से कुत्ता उठा लाए हो, कुछ कंटेस्टेंट तो अपने सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल खो चुके हैं और उनको लगता है कि वो एक्टर बन सकते हैं। इन फ्यूचर मेरे को एक्टिंग करनी है तो धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूं। कंटेस्टेंट टैलेंट दिखाने के नाम पर अपने टिकटॉक करने लग जाते हैं, और सबसे खेद भरी बात, सबसे दुख भरी बात तो ये है
कि इस चुतियापे की रेलगाड़ी का दूसरा सीजन भी आएगा। ये पाप का घड़ा दोबारा से भरा जाएगा और फोड़ा जाएगा हम लोगों के सर पे। तो गाइस अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर देखना चाहते हैं और अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते और सेंटा जी को ऑफेंड नहीं करना चाहते तो ये चुतियापा मत देखिएगा। अगर सेंटा जी को पता लग गया कि आप देख रहे हो तो बेंचो गिफ्ट तो दूर की बात, तुम्हारी चौखट पे पा देना हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर आप देख सकते हैं भैया की बीवी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जाना। लव यू ऑल।